على بقية الله بالأراضين وحجته على العالمين الإمام المهدي المنتظر والحجة الثاني أشد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد سورة أحزاب اور आयत नंबर 56 आपके सामने मुसलसल तिलावत का शरफ हासिल किया जा रहा है और इस आयत को आयत दुरूद कहते हैं और इसी आयत के ज़ैल में इल्मारुज़ात को अर्ज किया जा रहा है कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का हक ये है कि उनको तस्लीम किया जाए, उनको माना जाए, उन पर ईमान लाया जाए और उनको ऐसे माना जाए जैसे मानने का हक है। इसलिए कि मानने वाले तो खुदा को भी मानते हैं, मानने वाले तो हज़रत मूसा को भी मानते हैं, मानने वाले हज़रत ईसा को भी मानते हैं, मानने वाले पैगंबर अकरम को भी मानते हैं, मानने वाले अहले बैत को भी मानते हैं। मसला मानने का नहीं है, मसला ये है कि ऐसा माना जाए जैसे वो हैं। वरना यहूदी भी खुदा को मानते हैं, ईसाई भी खुदा को मानते हैं, लेकिन वैसा नहीं मानते जैसा वो है। इसी तरह अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को वैसा मानना चाहिए जैसे वो हैं, जो उनके मानने का हक है। और जाहिर है कि मानने के लिए पहले मारिफत का होना ज़रूरी है, पहले उनको पहचाना जाए। और कल मारूज़ात इस मुकाम तक पहुँचे थे कि मारिफत साहिबान इरफान की निशानी जो परवरदिगार आलम ने सूरह मायदा में बयान की है, वइज़ा समिउ, जब वो उन बातों को सुनते हैं जो उनके रसूल पर नाजिल किया गया है, तो वो उसको जब बयान होता है और वो सुनते हैं तो तरा आयो न हूँ, तो तुम उनकी आँखों को देखो, उनकी आँखों को देखो। आँखों में क्या है का उनकी आँखों से आंसू बहने लगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि साहिबान मारिफत की पहचान ये है कि आँखों से आंसू जारी होते। देखिए, मेरे साथ रहिएगा ताकि मैं कल की तरह से कुछ मारूजात आज की हद तक मैं आपके सामने पेश कर सकूं। और साहिबान मारिफत की पहचान कुरान मजीद क्या कहता है? कुरान मजीद कहता है जब उनके सामने वो बयान होता है जो रसूल पर नाजिल किया गया है, तो साहिबान मारिफत की पहचान ये है, आरिफों की पहचान ये है, साहिबान इरफान की पहचान ये है और अलामत ये है, उनकी आँखों को देखो। अगर उनकी आंखों में आंसू हैं तो समझो वो साहिबान मारिफत हैं, और अगर उनकी आंखें खुश्क हैं तो समझो वो साहिबान मारिफत नहीं है। यानी साहिबान इरफान की पहचान ये है कि वो गिरिया करते हैं। तवज्जो कीजिएगा, आज ये कहा जाता है कि रोने से क्या मिलेगा, रोने का फ़ायदा क्या है, रोने से होता क्या है, रोने से क्या मिलेगा। हाफिज़ का हाफिज़ा कितना कमज़ोर है,
हाफिज का हाफजा कितना कमजोर है। भाई हाफिज किसे कहते हैं? जिसका हाफजा अच्छा हो, मगर इस हाफिज का हाफिजा कितना कमजोर है, कितनी जल्दी भूल गया कि बचपन में रोता था तो क्या कुछ मिल जाता था। भाई रोता था तो खाना मिलता था, रोता था तो पानी मिलता था, रोता था तो दर्द है तो दवा मिल जाती थी, रोता था तो सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़े मिल जाते थे, रोता था प्यास लगती तो पानी मिल जाता था। आज कहता है कि रोने से क्या मिलेगा, हालांकि वो रोना बेमारिफत था। तवज्जो है, हालांकि वो रोना बेमारिफत था, वो बचपन का रोना था। तो जो बेमारिफत रोना है, जब उसके रोने से सब कुछ मिल जाता है, ये तो हुसैन को पहचानते हुए रोना है तो क्या नहीं मिलेगा। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये तो मारिफत के साथ बार लोग ये कह दिया करते हैं। और मैंने देखा एक जगह किसी ने छठे इमाम की जो रिवायत और हदीस है बड़ी मशहूर है कि जो शख्स मेरे जद हुसैन पर रोए रुलाए या रोने जैसी शक्ल बनाए तो उसके लिए जन्नत है। अभी मैं दो दिन पहले रिवायत आपके सामने अर्ज कर चुका हूँ। तो मैंने देखा एक जगह कहीं वो किसी ने लिख के लगाई हुई थी, मैं भी गया वहाँ नमाज पढ़ी तो किसी साहब ने हाथ से लिखा हुआ था कि रोया तो लश्कर यजीद भी था, रोया तो लश्कर यजीद भी था, लिहाजा रोने से क्या नतीजा निकलने वाला है। अब उस लिखने वाले ने, गुस्ताख ने कितनी बड़ी गलती की है। भाई रोया तो लश्कर हमारे यहाँ है, ये मशहूर है जुमला, बाज अपनी नमाजों पर अपनी इबादतों पर फख्र करते हुए या तकब्बुर गुरूर करते हुए या उजुब करते हुए ये बात कह दिया करते हैं कि रोया तो लश्कर यजीद भी था। आप रो रहे तो फ़ायदा क्या है, आप मातम कर रहे तो फ़ायदा क्या है, ये कह दिया करते हैं। लेकिन इसका जवाब, इसके जवाब बहुत सारे हैं। इसलिए कि रोना एक अलग अमल है, नमाज एक अलग अमल है, रोज़ा एक अलग अमल है, हज एक अलग अमल है। ताकीदात हैं, वाजिबात हैं, ना करने वाला गुनहगार है, फासिक व फाजिर है, सजा का मुस्तहिक है, वो अपनी जगह है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक नेक काम इंसान करे और आप वो काम ना करने दें ये कहकर के इसके करने का फ़ायदा क्या है। शायद बात वाज़े नहीं हुई है। एक शख्स माहे मुबारक रमज़ान में रोज़ा नहीं रखता है लेकिन पांचों वक्त नमाज पढ़ता है, नमाज कभी नहीं कज़ा करता है, रमज़ान में रोज़े नहीं रखता है, तो आप क्या कहेंगे कि नमाज क्यों पढ़ता है, रोज़ा तो रखता ही नहीं है। या एक शख्स माहे मुबारक रमज़ान में रोज़ा रखता है, 12 महीने नमाज नहीं पढ़ता है, उसका वो नमाज ना पढ़ना गुनाह है, फिस्क व फुजूर है, सजा मिलेगी। लेकिन उसको ये कहा जाए तुम अब क्यों रोज़े रख रहे हो, तवज्जो है आपकी या नहीं? नहीं, हर अमल अपनी जगह एक अहमियत रखता है, हर इबादत अपनी जगह एक अहमियत रखती है। लिहाजा अगर अल्लाह ने 10 वाजिबात रखे हैं और अगर उनमें से कोई शख्स 2 अंजाम देता है और हम कहते हैं 8 अंजाम नहीं देते हो तो ये 2 भी छोड़ दो, ये अक्ल के करीने कयास नहीं है, दीन ऐसी बात नहीं बताता है। लिहाजा ये कहना कि रोया लश्कर यजीद भी था, नहीं, लश्कर यजीद के रोने में और एक मोमिन के रोने में फ़र्क है। वो कत्ले हुसैन पर इसलिए नहीं रो रहा था कि उसको मोहब्बत हुसैन थी या इमाम मान रहा था, एक मोमिन इसलिए रो रहा है कि हुसैन को वो तीसरा इमाम मानता है। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसलिए कि हुज्जत खुदा पर ईमान लाना जरूरी है, हुज्जत खुदा पर ईमान ले आया अब वो रो रहा है तो इसका रोना कीमती रोना है, इसका रोना बामारिफत रोना है, इसका गिरिया बामारिफत गिरिया है। और मैं इसी मारिफत की सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा तो आप महसूस करेंगे कि सूरह मरियम में परवरदिगार आलम ने ऐलान किया कि वो लोग वो हैं साहिबान मारिफत के जब उनके सामने आयात रहमान यानी अल्लाह की आयात की तिलावत होती है तो खर्रू, तो वो झुक जाते हैं सजदे में। किस हालत में झुकते हैं? बुकियों, वो रो रहे हैं और
सुजदा वो सजदा भी करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, कुरान मजीद ये बताना चाहता है कि आयात इलाही पर तवज्जो कीजिएगा, आयात इलाही पर जो आयातुर रहमान है, जो अल्लाह की आयात हैं, उन पर अगर ये देखना हो कि सही ईमान किसका है तो सिर्फ सजदे मत देखना, ये भी देखना कि आंख से आंसू जारी है या नहीं है। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। और उसके बाद आप सिलसिले को आगे बढ़ाइए। लोग ये कहते हैं कि रोना खिलाफ सब्र है, रोना खिलाफ सब्र है, यानी जो रो रहा है समझे वो सब्र नहीं कर रहा है। हालांकि ये बिल्कुल कुरान के भी खिलाफ है और अंबिया की सीरत के भी खिलाफ है, कुरान के भी खिलाफ, सीरत अंबिया के भी खिलाफ है। थोड़ा सा आगे बढ़िए और कुरान मजीद की तलावत कीजिए तो आपको महसूस होगा, क्योंकि कुरान मजीद में बहुत सारे किस्सों को अल्लाह ने कुरान में जगह दी है। हज़रत याकूब का किस्सा, हज़रत यूसुफ़ का किस्सा, क्या मशहूर नहीं है ये वाक़या कि हज़रत यूसुफ़ जब हज़रत याकूब से जुदा हुए और वो उनको ना मिल सके तो हज़रत याकूब इतना रोए वज्जत ऐना हो मिनल हुज़्न, उनकी आंखें रोते रोते सफ़ेद हो गई, उन पर रोए। और उसके बाद कुरान में ये भी है कि उन्होंने एक सर्द आह खींची और सर्द आह खींच कर कहा हाय यूसुफ, वा सफ़ा अला यूसुफ, हाय यूसुफ। सर्द आह भी खींची, रोए भी, आंखें भी सफ़ेद हो गई, मगर आगे कुरान कहता है कि वह सब्रुन जमील, यानी रोए भी, आंखें भी सफ़ेद हुई और ये भी कहा कि सब्र जमील ज़्यादा बेहतर है। तवज्जो है, यानी कुरान मजीद इस बात का ऐलान कर रहा है कि रोना सब्र के ख़िलाफ़ नहीं है। तवज्जो कीजिएगा, अगर रोना सब्र के ख़िलाफ़ होता तो हज़रत याकूब के फ़कत रोने का ज़िक्र होता, सब्र जमील का ज़िक्र ना होता। उनका रोना और फिर सब्र जमील का तज़किरा करना इस बात की दलील है कि सब्र रोने के और गिरिए के ख़िलाफ़ नहीं है। फिर वो क्या चीज़ है जो सब्र के ख़िलाफ़ है? सब्र के ख़िलाफ़ रोना और गिरिया करना नहीं है, सब्र के ख़िलाफ़ है शिकवा करना। तवज्जो है आपकी, सब्र के ख़िलाफ़ है शिकवा करना। शिकवा क्या? खुदा ने ये क्या कर दिया, खुदा ने यूँ क्यों कर दिया, खुदा ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, ये है शिकवा, ये है सब्र के ख़िलाफ़। यूसुफ रो रहे हैं, याकूब रो रहे हैं, मगर उसके साथ साथ सब्र कर रहे हैं। हम भी हुसैन को रोते हैं मगर शिकवा नहीं करते। तवज्जो कीजिएगा, मगर शिकवा नहीं करते, हम हुसैन का मातम करते शिकवा नहीं करते हैं, हम हुसैन पर रोते शिकवा नहीं करते हैं, सिया लिबास पहनते शिकवा नहीं करते हैं, आज़ादारी करते शिकवा नहीं करते हैं। और अगर यकीन ना आए तो देख लो जिस करबला पर हम गिरिया करते हैं, तवज्जो कीजिएगा, जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ, जिस करबला पर गिरिया करते हैं उसी करबला की खाक पर सजदा शुक्र अदा करते हैं। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। शिकवा नहीं है, शुक्र है। और ये खाक करबला जिसको खाक शिफा भी कहा जाता है, हर मिट्टी में जरासीम हो सकते हैं, हर मिट्टी जख्म को बढ़ा सकती है, हर मिट्टी बीमारी में इजाफा करती है, लेकिन वो खाक जिस खाक में खून मासूम शामिल हो जाए वो खाक अब खाक नहीं रहती है, वो खाक शिफा बन जाती है। फिर कभी इंशाल्लाह इसके तफसीलात की खिदमत में अर्ज करूंगा। अब हजरत याकूब की आंखें बीनाई खो देती हैं, वक्त इज्जत ऐना हो बिनल हुज़्न, आंखें सफेद हो गई, वह कसीम
और वो ऐसे हो गए उनको नजर नहीं आ रहा है। किस वजह से? देखिए, इस पहलू से शायद आपने कभी ना सोचा हो जो आज मैं आपको दावत फिक्र दे रहा हूं। किस वजह से? यूसुफ के गम में। देखिए, बाप बेटे के गम में रोया, आंखें चली गई। अच्छा, आंखें क्या हैं? आंखें नेमत है या नहीं है? भाई, कुव्वते बीनाई कितनी बड़ी नेमत है। अगर आंख ना हो तो इंसान देख नहीं सकता है। अल्लाह की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है आंखें। रोए, आंखें चली गई, इसका मतलब क्या हुआ? बेटे के गम में, नबी के गम में रोए, इतनी बड़ी नेमत चली गई। तवज्जो है, बहुत अजीब बात आज मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। बेटे के गम में रोए, वो नबी है, मासूम है, रसूल है, जो भी है, रोए, इतनी बड़ी नेमत चली तो गई, नेमत गई। अब अगर बात यहीं पे खत्म हो जाती तो हम कहते वाकई मासूम का गम मनाया, आंखें चली गई, ये तो नुकसान हो गया। भाई दुनिया कहती है नहीं, बेशक कुरान है, नबी है, मासूम है, रसूल है, जो भी है, लेकिन दुनिया तो ये कहती कि नबी का गम मनाया बाप ने, एक नबी ने दूसरे नबी का गम मनाया, आंखें चली गई, इतनी बड़ी नेमत छिन गई। मगर इसको क्या कीजिए, इसको क्या कीजिए कि यूसुफ के गम में बाप की आंखें गई, यूसुफ के गम में बाप की आंखों की बीनाई चली गई, और उसी यूसुफ के कुर्ते से बाप की बीनाई वापस आ गई। देखिए, ये पहलू मैं आपके सामने लाना चाह रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि गमे मासूम में नुकसान नहीं होता है, गमे मासूम नुकसान नहीं पहुंचाता है। अब आप समझे, हम गमे मासूम मनाते हैं, हम गमे मासूम गमे हुसैन में लुटाते हैं। तो अगर कोई कहे कि गमे हुसैन में इतना लुटा दिया, लाखों लुटा दिए, करोड़ों लुटा दिए, वो वाकया वो शायद आपके सामने हो, जिसकी क्लिप भी चल रही है। कोई मोमिन था, एक इलाका था, मोहल्ला था, वहां पर कुछ मोमिनी नौजवान थे, उनके पास अज़ाए सैयद शुहदा के लिए पैसे बहुत कम थे। क्या करें? देखा कि एक ताजिर है, उसके पास गए। तेहरान का वाकया या ईरान के किसी और खित्ते का वाकया, बहरहाल पैसे नहीं थे, वो उसे ताजिर के पास गए। क्या बात है? कहा कि अज़ा, अय्याम अज़ा करीब हैं, हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं, हम अज़ादारी करना चाहते हैं, इतने वसाइल नहीं हैं, लिहाजा हमें कुछ रकम दी जाए, आप ताजिर हैं इमाम हुसैन की राह में। उस ताजिर ने चेकबुक दे दी और चेकबुक देकर कहा कि जो रकम तुम्हें चाहिए वो लिख दो, ज्यादा से ज्यादा जो तुम्हें चाहिए, कम से कम मत लिखना, ज्यादा से ज्यादा लिखना। लिहाजा वो चेकबुक नौजवानों ने उसमें जितनी भी रकम थी ज्यादा ज्यादा वो लिख दी, और उसके बाद वो चेकबुक उस मोमिन को दी, ताजिर को। ताजिर ने पढ़ा नहीं कितना लिखा है, ताजिर ने रकम नहीं पढ़ी, 1 लाख 2 लाख 10 लाख नहीं पढ़ी उसने, बल्कि उस रकम पर हाथ रखा, रकम पर हाथ रखा, साइन कर दिया, नहीं ब्लैंक चेक, एक तरह से ब्लैंक चेक साइन कर दिए, कर ले दो। नौजवान ले गए, आज़ादारी की, मातम मजलिस, बड़े शान और शौकत से बेहतरीन किस्म की आज़ादारी हुई, न्याज तकसीम हुई, जो भी मोमिनीन को खिलाया पिलाया वो सब कुछ हो गया। जाहिर है कि ताजिर है, इंसान है, मोमिन है, सबको दुनिया से जाना है। दुनिया से जब वो चला गया तो किसी मोमिन के ख्वाब में आया, ये बाकायदा मिंबर पे उलमा ने बयान किया है, मोमिन के ख्वाब में आया, क्या हालत है, किस कैफियत में हो, कहा मैं गुनहगार, मैं एक बुरा आदमी, मुझसे गलतियाँ हुई, लेकिन मैं जब दुनिया से गया, फरिश्ते नाम आमाल लेकर गए, ये है, वो है, फला है, का इमाम हुसैन के सामने जब नाम आमाल गया तो इमाम हुसैन ने उस पर जन्नत में दाखिले के दस्तखत कर दिए। इमाम ने पढ़ा ही नहीं, कहा क्यों? कहा इसलिए कि तूने चेक पर रकम दे के बगैर साइन किए थे, इमाम ने आमाल नामे को दे के बगैर साइन कर दिया। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
ये है। गौर किया आपने, इसका मतलब क्या हुआ? गमे मासूम कभी नुकसान नहीं देता है, गमे मासूम से फायदा होता है, गमे मासूम के जरिए नुकसान नहीं उठाया जाता बल्कि उससे नफा मिलता है, उससे फायदा मिलता है। तवज्जो कीजिएगा, मैं अपने जुमले को मुकम्मल नहीं कर सका हूं, और अगर यकीन ना आए तो देख लीजिए, हम नामे हुसैन पर लुटाते हैं, हम नामे हुसैन पर लुटाते हैं, इसीलिए हमारे हाथों में कभी कटोरे नजर नहीं आते। वो मदरसे वाले हैं जो जगह जगह भीख मांगते फिरते हैं, इसलिए कि नामे हुसैन पे लुटाया जाता है, क्योंकि अताए हुसैन हमारे साथ साथ है। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। और क्या ये गम है? ये गमे हुसैन है, ये गमे अहले बैत है, ये गमे मासूम है, ये इसकी तासीर है। और उसके बाद आप देखिए कि तारीख बताती है, यानी जो अज़ा है, क्योंकि हम बराह रास मराजे के करीब नहीं हैं, ज़ाहिर है यहाँ पर हैं, उलमा आते हैं, खुतबा ज़ाकिरीन बयान करते हैं रिवायतें, मुज्तहिदीन ने अहादीस रिवायात कुरान सीरत अंबिया से लिया है। अब कोई आदमी बिल्कुल ही अनपढ़ जाहिल हो, कुछ ना आता हो, और वो अपनी तरफ से बहुत सारी बातें करे, तो उसकी तो जाहिर है कोई औकात ही नहीं है, इसलिए कि असल इल्म का मंबा मखरज उलमा है, मुज्तहिदीन। अब कोई शख्स अगर आए और वो नमाज पढ़ रहा है, नमाज का तरीका किसने बताया? आप सोचिए, नमाज का तरीका किसने बताया? ज़ाहिर अल्लाह ने बताया, आपको बताया? आप कहेंगे नहीं। किसको बताया? किसको बताया? नबी को बताया। तवज्जो है, क्योंकि बंदों और खुदा के दरमियान नबी है, अल्लाह ने नबी को बताया। तवज्जो है, अल्लाह ने नबी को बताया। नबी ने किसको बताया? इमाम को बताया। और एक सिलसिला ये चलता चला गया, जाहिर है कि आइम्मा अलैहिस्सलाम की जो हयात है वो एक आध दीन पर मुश्तमिल नहीं है। कितने साल, हिसाब लगाएंगे आप? हिसाब लगा सकते हैं या नहीं? पैगंबर अकरम ने मदीना हिजरत की सन 1 हिजरी शुरू हुआ, ठीक है, और आखिरी इमाम कौन से सन में पर्दे गैबत में गए? 369 में। कितने? इसका मतलब क्या हुआ? अहकाम शरीयत 370-69 साल पर फैले हुए हैं आइम्मा की जिंदगी। ये जो कहते हैं ना, हदीसें पढ़ लो, रिवायतें पढ़ लो, खुद ही निकाल लो, इमाम की तकलीद कर लो, 370 साल पर आइम्मा की सीरत, 14 मासूमीन की सीरत फैली हुई है। नहीं, आपने शायद महसूस नहीं किया है। ये जो कहा जाए यहाँ से हदीस पढ़ ली, वहाँ से किताब पढ़ ली, कैसे मुमकिन है? अब मुश्तहिद के सामने आप सजदा शुक्र कीजिए, उसका एहसान मानिए। 400 साल के करीब जो सीरत मासूमीन फैली हुई है मुश्तहिद के हाथों की तरह सामने है, ना आसान काम है? इतना आसान काम है कि हर आदमी जिसको कुछ ना आता हो और वो कहे कि मैं इमाम की तकलीद कर लो, और क्या आपने? लिहाजा नमाज का हुक्म अल्लाह ने दिया हमारे नबी को, ऐसे नमाज पढ़ो। हमारे नबी ने नमाज पढ़ी और क्या फरमाया? ऐसे नमाज पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुए देखो, जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुए देखो। मुझे बताइए, पैगंबर अकरम क्या सिर्फ सन 11 हिजरी तक के लिए नबी है? कब तक के लिए नबी है? कयामत तक के लिए। और कह क्या रहे हैं? ऐसे नमाज पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुए देखो। मैं उस जमाने में कैमरे तो थे नहीं, बस मैं अपने बेटे से कहूँ ऐसे मजलिस पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ, तो क्या कहेंगे? ठीक है, अपनी वीडियो दिखा दीजिए, वैसे पढ़ लेंगे मसलन। या मैंने वुजू या नमाज या तैमुन की वीडियो बनाई और मैंने उससे कहा देखो ऐसे वुजू ऐसे तैमुम करो जैसे मैं कर रहा हूं, का कहां है? का वीडियो में देख लो। तवज्जो है आपकी।
लिहाजा पैगंबर ने फरमाया वैसे नमाज पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुए देखो। तो अल्लाह के रसूल आपने क्या फरमा दिया, जो आपके जमाने में वो आपको देखेंगे, आपको देख के नमाज पढ़ लेंगे, मगर कयामत तक जो आपकी उम्मत आने वाली है वो कैसे आपको देख सकेगी? उस जमाने में कैमरे नहीं है, वीडियोज नहीं है, या अल्लाह कैसे नमाज पढ़ेंगे हम? आप तो है नहीं हमारे सामने, तवज्जो है। ये तकलीद जो कहते ना इमाम या रसूल की करते हैं, उन अहमकों के बारे में ये मैं बयान कर रहा हूं। लिहाजा वो जो कहते हैं रसूल ने फरमाया जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुए देखो वैसे नमाज पढ़ो, कौन नमाज पढ़ लेगा? नबी के जमाने में हम हैं, नबी हमारे सामने हैं। अब मुझसे कोई पूछे कि आप जो नमाज पढ़ते हैं वो पैगंबर की तरह नमाज पढ़ते हैं, मैं यकीन से कह सकता हूं मैं वैसे ही नमाज पढ़ता हूं। ये और बात है कि मेरी नमाज उस मंजिल पर ना हो, आपकी नमाज उस मंजिल पर ना हो जो खातमुन्नबीन की नमाज है, लेकिन मेरी नमाज बिल्कुल वैसे ही है। क्यों? कोई मुझसे पूछे क्यों, मैं ये कहूंगा कि मैं वैसे नमाज पढ़ता हूं जैसे आयतुल्लाह सिस्तानी पढ़ते। तवज्जो कीजिएगा, आयतुल्लाह सिस्तानी नमाज पढ़ते वैसे, मैं भी वैसे ही पढ़ता हूं। आयतुल्लाह सिस्तानी वैसे क्यों नमाज पढ़ते हैं? तवज्जो है, क्योंकि उन्होंने कुरान और हदीस से ये निकाला कि पैगंबर कैसे नमाज पढ़ते थे। और अगर इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते चले जाएं तो जमाने का इमाम आ जाएगा, का ये मुज्तहिदीन जिन्होंने लिया किससे लिया? जमाने के इमाम से लिया। जमाने का इमाम कैसे वैसे नमाज पढ़ता था? और क्या, वो जो 255 हिजरी में पैदा हुए, अल्लाह का रसूल सन 11 हिजरी में चला गया, जमाने के इमाम ने तो उनको नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा, लिहाजा उनकी नमाज रसूल की नमाज कैसे हो सकती है? तो जमाने के इमाम से पूछ आप ऐसे नमाज क्यों पढ़ते हो, वो कहेंगे मैंने अपने बाबा हसन अस्करी को वैसे देखा। तवज्जो कीजिएगा, हसन अस्करी से पूछ आप ऐसे नमाज क्यों पढ़ते जैसे रसूल नमाज पढ़ते थे, कहा मेरे बाबा अली नकी ऐसे पढ़ते थे। अली नकी से पूछ आप ऐसे नमाज क्यों पढ़ते हैं, कहा मेरे बाबा मोहम्मद तकी ऐसे पढ़ते थे। मोहम्मद तकी से पूछ आप ऐसे नमाज क्यों पढ़ते हैं, वो कहेंगे मेरे बाबा अली रजा ऐसे पढ़ते थे। अली रजा से पूछ आप ऐसे नमाज क्यों पढ़ते हैं, कहा मेरे बाबा मूसा कादिम ऐसे पढ़ते थे। मूसा कादिम से पूछ आप ऐसे नमाज क्यों पढ़ते हैं, वो कहेंगे मेरे बाबा हसन जाफर सादिक ऐसे पढ़ते थे। उनसे पूछ आप ऐसे क्यों पढ़ते हैं, कहा मेरे बाबा मोहम्मद बाकिर ऐसे पढ़ते थे। मोहम्मद बाकिर से पूछिए आप ऐसे क्यों नमाज पढ़ते, कहा मेरे बाबा जैनुल आबदीन ऐसे पढ़ते थे। जैनुल आबदीन से पूछिए आप ऐसे नमाज क्यों पढ़ते हैं, वो कहेंगे मेरे बाबा और मेरे चचा और मेरे दादा ऐसे नमाज पढ़ते थे। अब उनसे पूछिए आप ऐसे क्यों नमाज पढ़ते हो, तीनों कहेंगे हमने नबी के साथ नमाज पढ़ी है। अरे फिक्र तो उनको करनी चाहिए जो नबी के 100 साल बाद इमाम बने हैं और उन्होंने रसूल को नमाज पढ़ते हुए देखा नहीं है। आपकी नमाज रसूल वाली नमाज है, बाकी किसी की नमाज रसूल वाली नमाज नहीं है। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाला। और क्या आपने, अब बताइए मुझे, अब अगर कोई कहे कि मैं दीनियात की किताब में देख के नमाज पढ़ता हूं, तो दीनियात की किताब क्या जमाने के इमाम ने लिखी है? किसने लिखी दीनियात की किताब? काजी दीनियात की किताब पीर इब्राहिम ट्रस्ट वालों ने छापी थी मसलन। ये तो मैंने जो हमारा खुदा कैबिनेट है उनके लिए मैंने इस्तेमाल किया लफ्ज। पीर इब्राहिम ट्रस्ट जो था वो आयतुल्लाह खुई का जो कराची में किदारा था वो दीनियात की किताबें छापा करता था और उसमें नमाज का तरीका और मुख्तलिफ चीज़ें। और अगर दूसरे सादात की तरफ जाएं तो वहाँ थी दीनियात की किताबों की सीरीज जो मैंने खुद पढ़ी है बचपन में। वो कौन सी थी? मौलाना फरमान अली की दीनियात की पहली किताब, मौलाना फरमान अली की दूसरी किताब, दीनियात की तीसरी किताब, दीनियात की चौथी किताब और दीनियात की पांचवी किताब। तो आपने नमाज कहाँ से सीखी? तकलीद नहीं करता है, नमाज कहाँ से सीखी? का मौलाना फरमान अली की किताब से। मौलाना फरमान अली कहाँ कौन है? का एक मौलाना है। उन्होंने कहाँ से लिखी? तवज्जो है, उन्होंने कहाँ से लिखी? उन्होंने किसी मुज्तहिद की किताब से लिखी और आप उसमें देख के नमाज पढ़े हो। आप कहो या ना कहो, हकीकत में आप तकलीद कर रहे हो। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। और ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है।
दो चीजें होती हैं, एक होता है जात को मानना, एक होता है बात को मानना। एक होता है जात का मानना और एक होता है बात का मानना। मुझे ज्यादा कोशिश और मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं बिलावजा आपको परेशान नहीं करूंगा, आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे पहले जुमले में ही। एक होता है जात को मानना, एक होता है बात को मानना। जब खुदा ने कहा कि वैजा नफख्तु फीहि मिन रूही फकौ लहू साजिदीन, जब मैं आदम के पुतले में रूह डालूं तो सबके सब सजदा करना, कहा था यानी ऐलान है कुरान में, ठीक है। और जब अल्लाह ने रूह डाली तो सबने सजदा किया इल्ला इबलीस, इबलीस ने सजदा नहीं किया और फरिश्तों ने सजदा किया, ये क्या हुआ? तो क्या शैतान ने ये कहा कि मैं खुदा को खुदा नहीं मानता? नहीं, खुदा को मानता था, यानी खुदा की जात को मान रहा था, खुदा की बात को और किया आपने। इसका मतलब शैतानी सिफत क्या है? जात को मानना, बात को मेरे साथ रहिएगा, आप मुझे छोड़िएगा नहीं, जात को मानना, बात को न मानना। तवज्जो है, अब पैगंबर अंबिया है, कहा कि हमें मानो नबी, अल्लाह को मानो, वो एक है, वो खालिक है, वो मालिक है, वो राजिक है, तवज्जो है, वो वहदहू ला शरीक है। इसका मतलब क्या हुआ? अल्लाह को मानना जात को मानना है और अल्लाह की बात को मानना नबी को मानना है या नहीं? भाई हजरत आदम पहले नबी हैं, तो अल्लाह की जात को मानना ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की बात को मानना जो भी नबी है, जो भी नबी है उस नबी को मानना। तो जो अल्लाह को मानते चले गए, जिन्होंने अल्लाह की जात को माना उन्होंने अल्लाह की बात को भी माना यानी नबी को माना, और सिलसिला होते होते जब आखिरी नबी पर आया, तवज्जो कीजिएगा, जब आखिरी नबी पर आया पैगंबर अकरम ने दावत जुलशीरा में कहा अल्लाह को मानो, ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं उसका नबी हूँ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो मेरी मदद करेगा वो मेरा जानशीन और खलीफा होगा अलीउन वलीउल्लाह। और क्या आपने? और अगर यूं समझ में नहीं आता है, पैगंबर अकरम ने 23 साल तबलीग रिसालत की, दीन समझाया, इस्लाम समझाया, कुरान समझाया, अहकाम शरीयत समझाए, लोगों ने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह की जात को माना, पैगंबर ने कहा मैं उसका रसूल हूँ अल्लाह की जात को माना, अल्लाह की बात को माना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और जब पैगंबर ने खुम के मैदान में अली को हाथों पर उठाया, ये थी मोहम्मद की बात, ये मोहम्मद की बात थी। लिहाजा जिन लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा, उन्होंने अल्लाह की जात को माना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह की बात को माना। और जिन्होंने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा उन्होंने मोहम्मद की जात को माना, और जिन्होंने अलीउन वलीउल्लाह पढ़ा उन्होंने मोहम्मद की जात को भी माना, मोहम्मद की बात को भी माना। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद, यानी जात को मानना, जात के साथ साथ बात को मानना। अब आइए तकलीद क्या है, तकलीद क्या है? अब जिसने अलीउन वलीउल्लाह पढ़ा तो समझो उसने, देखिए पूरा सिलसिला है, अल्लाह की जात को मानना ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की बात को मानना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद की जात को मानना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद की बात को मानना अलीउन वलीउल्लाह। तवज्जो है, उसी इमाम ने कहा कि हमारे बाद तकलीद करो, तो अब जो तकलीद कर रहा है वो इमाम की जात को भी मान रहा है, इमाम की बात को भी मान रहा है। अब जो तकलीद नहीं कर रहा ये कोई नया काम नहीं कर रहा, ये शैतान पहले ही कर चुका है। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले, तो ये उलमा के जरिए, ये जो गम है, ये जो मजालिस है, ये जो आजादारी है, ये सीरत अंबिया है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुरान मजीद में जो सबसे ज्यादा जिसका गम और मसाइब व आलाम का तज़किरा हुआ वो हजरत यूसुफ है, और उनके वालिद याकूब। हजरत यूसुफ जब मिस्र में थे और उनके भाई जो गए थे, कहत पड़ा है वो सारा किस्सा आपको पता है। तो जब सारे भाई गए तो उनमें उनके भाई, सारे भाई थे मगर मुख्तलिफुल बतन थे, यानी माएँ अलग अलग थी, लेकिन एक भाई जो थे बिन्यामीन,
वो उनके सगे भाई थे, यानी जो माँ हजरत यूसुफ की थी वही माँ बिन्यामीन की थी। अब उन्होंने बिन्यामीन को रोक लिया था क्योंकि ज्यादा प्यार आ रहा था, ज्यादा मोहब्बत आ रही थी, एक बहाना बना के बिन्यामीन को रोक लिया। जब बिन्यामीन रुक गए, अच्छा यूसुफ को जनाबे यूसुफ जहर नबी उनको पता है मेरा भाई है, उनसे बातें की, पूछा, ये किया वो किया, मगर बिन्यामीन को नहीं पता ये यूसुफ है। तवज्जो कीजिएगा, बिन्यामीन को नहीं पता ये यूसुफ है। देखिए ये भी एक गैबत है, नहीं आपने मेरे लफ्ज पर गौर नहीं किया, ये भी एक गैबत है। जमाने का इमाम जो पर्दा गैब में, उसका मतलब ये नहीं है वो किसी कोने में बैठा है, वो किसी कमरे में है, वो किसी हिजाब में है, नहीं, ये गैबत ऐसी है कि इमाम है हमारे दरमियान मगर हम पहचानते नहीं है। अरे तभी तो रिवायतों में है, जब मेरा मौला जुहूर करेगा तो लोग कहेंगे अरे इनको तो हमने मजलिस में देखा था, इनको तो हमने मातम में देखा था, इनको तो हमने हज में देखा था, इनको तो हमने फलां ज्यारत पर देखा था। गैबत क्या है, हम पहचान नहीं पा रहे हैं, खुदा ने आंखों पर पर्दा डाला हुआ नहीं है। सरफराज अबद जो बहुत बड़े शायर आले बैत अहले बैत गुजरे हैं, नहीं है आप पर्दे में नहीं है, नहीं है आप पर्दे में नहीं है, हमारी आंख पर पर्दा पड़ा है। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले, देखा आपने। लिहाजा बिन्यामीन से कहा कि तुम तो सुना है यूसुफ के सगे भाई हो, कहा कि हाँ, कहा तुम्हें तो बहुत मोहब्बत होगी, कहा मुझे बहुत मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है, का कितनी मोहब्बत, का तुम फिर रोए, उनको याद किया। सुने ये अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा, आप में से किसी ने नाम सुना है उनका, मुश्किल है, बहुत बड़े आलिम पाकिस्तान के, बहुत बड़े मुफस्सिर गुजरे, और उनकी तफसीर का नाम है तफसीर अनवारुल नजफ, मारकतुल आरा तफसीर है, यकीन करें आप, हिंदो पाक में बहुत मशहूर है। और अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा जो थे वो सादात में से नहीं थे, वो गालिबन बलूचिस्तान के इलाके के थे, बहुत काबिल शख्सियत गुजरे, उस्ताद थे उलमा के, बहुत शागिर्द उनके गुजरे, बहुत काबिल शख्सियत थे। उनकी तफसीर तफसीर अनवारुन नजफ, उसमें ये मौजूद हैं सारी चीज़ें। फरमाते हैं कि पूछा जनाब यूसुफ ने, ए बिन्यामीन तुम तो यूसुफ के भाई हो ना, तुम्हारा भाई गुम हो गया है, तुम्हें मिला नहीं है। अच्छा मैं फिर कहूँ कि बिन्यामीन को नहीं पता है मेरा भाई यूसुफ है, कहा कि हाँ, कहा फिर तुम्हें तो बहुत गबर बहुत सदमा हुआ होगा अपने भाई की जुदाई का, बहुत ज़्यादा, कहा जब इतना सदमा हो तो तुमने क्या किया, तुमने किस तरह उसका गम बनाया, तुम किस तरह उसके लिए रोए, कैसे उसको याद रखते हो, सुनेंगे जवाब। बिन्यामीन कहते हैं मुझे खुदा ने 11 बेटे दिए, कितने बेटे हैं 11 बेटे। देखिए उस जमाने में और आज से 30-40 साल पहले भी माशाल्लाह लोग कसरत औलाद रखते थे, और उसके बाद अब तो फैशन बड़ा अजीब हो गया है। मैं इस मिंबर से कई दफ़ा वो रिवायत बयान कर चुका हूँ कि एक ज़माना आएगा कि लोग एक औलाद पर इक्तफा करेंगे, बल्कि ये ज़माना आएगा कि जिसके औलाद हो नहीं होगी वो खुशकिस्मत समझा जाएगा, ये हालात हो जाएंगे। का मेरे 11 बेटे, का फिर तुम्हारे 11 बेटे हुआ करें, मैं क्या करूं, का जो मेरे 11 बेटे हैं, तवज्जो कीजिएगा और इससे नतीजा निकालना आपका काम है, मेरा काम सिर्फ बयान करना है। का मेरे 11 बेटे हैं और मैंने हर, देखे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने बाबा और अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करते थे, कायनात में कोई इतनी मोहब्बत कर सकता है अली से, कोई कर सकता है नहीं, ना कोई बाप ना कोई बेटा इतनी मोहब्बत कर सकता है अपने बाप और माँ से जो इमाम हुसैन अपने माँ बाप से मोहब्बत करते थे। यही वजह है, यही वजह है कि उन्होंने अपने हर बेटे का नाम अली रखा था, यह हदीस मौजूद है, पक्की हदीस है, और हर बेटी का नाम फातिमा रखा था। बिन्यामीन कहते हैं खुदा ने मुझे 11 बेटे दिए हैं, मैंने हर बेटे का नाम यूसुफ रखा है। नहीं, नतीजा आप निकालिए, कहा मैंने हर बेटे का नाम यूसुफ रखा है, क्यों, कहा मेरे घर में यूसुफ ना हो मगर जब मैं आवाज दूं तो हर जगह आवाज गूंजे यूसुफ यूसुफ यूसुफ। अब आप समझे ये 2 महीने 8 दिन जो हम हुसैन 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 कहते हैं वो इसलिए कि हुसैन सामने ना हो मगर हम
हमारे यहाँ आवाज गूंजे हुसैन हुसैन। ये अंबिया से आजादारी आई है। और मरहूम अल्लामा ज़ीशान दर जवादी, उनकी किताब है करबला, बहुत जखीम किताब नहीं है, और वो बिल्कुल बोसीदा हो गए थे हिंदुस्तान से छपी थी आज से कोई 40 साल पहले। मैंने उस किताब को रीप्रिंट कराया है और बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही खूबसूरत तरीके से करबला, यानी वाकयन अगर आपको या किसी और को ये तहकीक करनी हो और सही हल पर पहुंचना हो कि करबला क्यों वाकई हुई है, तो मुख्तसर तरीन और आसान तरीन किताबों में वो एक किताब है। अरे अल्लामा ज़ीशान दर जवादी जो दर्दा इश्तिहाद पर फाइज थे, और उनकी जो कैफियत और सूरत है उलमा के दरमियान और उनकी कदर व मंजिलत है, मरहूम अल्लामा ज़ीशान दर जवादी आला मकामहु इस मुकाम पर पहुँच कर बड़ी अजीब बात कहते हैं। का देखें रसूल आज़म की हदीस है मौलाए कायनात के बारे में, बहुत सारी हदीसें मगर एक हदीस है हदीस मिन्नी, मिन्नियत वाली हदीस। क्या फरमाया पैगंबर ने, अलीयुन मिन्नी व अना मिन्हु, यानी अली का नाम कितनी दफ़ा आया, एक दफ़ा, अलीयुन मिन्नी व अना मिन्हु, अली मुझसे और मैं उससे हूँ, हो यानी प्रोनाउन ज़मी है इमाम अली की तरफ, अली मिन्नी वाना मिन हो, अली मुझसे और मैं उससे, फातिमतो मिन्नी वाना मिन्हा, फातिमा मुझसे और मैं उससे, हसन मिन्नी वाना मिन हो, हसन मुझसे और मैं उससे। अभी मुतवज्जे नहीं हुआ। और इमाम हुसैन की बारी जब आई तो क्या फरमाया है, ये नहीं कहा हुसैन मिन्नी वाना मिन हो, बल्कि फरमाया हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, ताकि मेरी जबान पर भी हुसैन का कम से कम दो मरतबा नाम आ जाए। यानी पैगंबर ये चाहते हैं कि हर जगह हुसैन 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 की आवाजें बुलंद होती रही। बस मैंने आपकी जहमत को तमाम किया और जाहिर है कि उतना ही वक्त मैंने आपका लिया है तकरीबन जो वक्त मैंने कल आपका लिया था और आपको जहमत दी थी। बात हो रही थी कि मारिफत, और मारिफत इंसान की मंजिल कमाल तक कब पहुंचती है, जब उसके पास इल्म ज्यादा हो। इन्नमा यख्शल्लाहा मिन इबादिही अल उलमा, इसी सिलसिले को इंशाल्लाह हम कल आगे बढ़ाएंगे और जो मारूजात होंगी इंशाल्लाह और मज़ीद इसी आयत दुरूद से फ़ज़ाइल अहले बैत अलैहिमुस्सलाम आपकी खिदमत में अर्ज़ करते रहेंगे। आज बस यहीं तक है, जितना इल्म ज़्यादा होगा उतनी मारिफत ज़्यादा होगी, जितनी मारिफत ज़्यादा होगी उतना ही रिक्क़त क़ल्ब ज़्यादा होगा, जितना इश्क बढ़ता चला जाएगा। और हकीकत ये है कि मारिफत जितनी फ़कीह को होती है वो किसी को नहीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मदीने से चले तो मदीने से ख़ानदान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के जवान और बुज़ुर्ग साथ चले, 22 अफराद थे। उसके बाद जब इमाम मदीने से मक्का पहुँचे हैं तो मक्के में लोग शामिल हुए, फिर इमाम रास्ते में हुर से मुलाकात हुई, मुख्तलिफ मनाजिल पर इमाम हुसैन क़याम करते हुए आगे बढ़े, बहुत सारे लोग शामिल होते चले गए कि इमाम कूफे की तरफ रवाना है, और जाहिर है कि जब कूफा जाएंगे तो इख्तदार इख्तियार इमाम के हाथ में आएगा, और जब साहिब इख्तदार होंगे तो हमारे हाथ कुछ ओहदे आएंगे, कुछ माल और दौलत आएगा। लेकिन इमाम रास्ते में बताते हुए गए, देखो मैं किसी इख्तदार पर कब्ज़ा करने, मैं फिसाद फैलाने, मैं लड़ाई जंग करने के लिए नहीं निकला हूँ, बल्कि मैं इस्लाह उम्मत के लिए निकला हूँ। मैं अपने नाना और अपने बाबा की सीरत पर अमल करके अमर बिल मारूफ करूँगा और नहीं अनिल मुनकर करूँगा। इमाम रास्ते भर लोगों को ये कहते चले गए
जो अपना खून देना चाहता है, जो कुर्बानी देना चाहता है, जो जान कुर्बान करना चाहता है वो हमारे साथ आ जाए। जिसको किसी तरह का कुछ लालच हो वो हमारे साथ आने की कोशिश ना करे। लोग रास्ता छोड़ते चले गए। जाहिर है कि जो शारा थी कूफे की तरफ जाती थी, और जाहिर है कि मौसम हज ख़त्म हुआ था, और जब मौसम हज ख़त्म हुआ था तो बहुत सारे काफ़िले थे जो इमाम के कुछ आगे थे, कुछ पीछे थे, कुछ इमाम से दूर ठहरते थे। ज़ुहैर इब्ने क़ैन से इसी कैफियत में तो मुलाकात हुई है, वो इंशाल्लाह तफसीलन में आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। यही वजह है कि इमाम रास्ते से लोगों को जुदा करते चले गए। ज़ुहैर इब्ने क़ैन जो रास्ते में इमाम को मिले हैं, ज़ुहैर क़ैन डर रहे थे, ज़ुहैर क़ैन घबरा रहे थे, क्योंकि ज़ुहैर इब्ने क़ैन हुसैनी नहीं थे, अली वाले नहीं थे। ज़ुहैर इब्ने क़ैन एक आम मुसलमान हज करके आ रहे थे, मगर उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि कहीं हुसैन मुझे ना बुला लें। और यही हुआ कि ज़ुहैर इब्ने क़ैन अपने खेमे को जब नस्ब करते थे तो इमाम के काफ़िले से पहले, कभी इमाम के काफ़िले के बाद, मगर एक मुकाम ऐसा आ गया कि ज़ुहैर इब्ने क़ैन को इमाम के खेमों के करीब खेमे नस्ब करने पड़ गए। जैसे खेमा नस्ब हुआ, थोड़ी देर के बाद इमाम का कासिद पहुँचा। जैसे इमाम का कासिद पहुंचा, ज़ुहैर एक बहुत बड़े ताजिर थे, बहुत बड़े सरमायादार थे, बहुत मालदार थे, कूफे के रहने वाले थे, नेक आदमी थे, मुत्तकी और परहेजगार थे। लेकिन जब इमाम का खादिम पहुंचा है, लोग खाना खा रहे थे, खादिमों के साथ ज़ुहैर इब्ने क़ैन खाना खा रहे थे। तारीख बताती है कि जैसे ही इमाम हुसैन का खादिम पहुँचा और लोगों ने निगाह उठा के इमाम के खादिम को देखा, हाथों से लुकमे गिर गए। कैफियत थी, क्योंकि पता था कि अगर हुसैन का साथ दिया तो जान देना ही, लुकमे गिर गए हाथों से। और उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस कासिद ने ज़ुहैर इब्ने क़ैन को एक ख़त दिया। ज़ुहैर ने पढ़ा और अजीब रंग हो गया, चेहरे का रंगत बदल गई, खामोश है। देखिए, अब मेरा मौजू नहीं है वरना मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता, लेकिन एक जुमला जरूर अर्ज करूंगा। खवातीन जो होती हैं वो बदतरीन भी होती हैं, और मैं समझता हूं, बल्कि आप खुद मुतालिया करेंगे कि तारीख़ इस्लाम में ऐसी बेहतरीन ख़वातीन गुजरी हैं कि उन्होंने अपने शौहर को, अपने शौहरों को उस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि जिस मुकाम से बुलंद मर्तबा इंसान की सोच में नहीं आ सकता। उनमें से एक ज़ुहैर इब्ने क़ैन है, तवज्जो कीजिएगा। ज़ुहैर घबरा गए, ज़ुहैर डर गए। ज़ुहैर की ज़ौजा ने कहा, क्या हुआ तुम्हें? कहा कि हुसैन ने बुलाया। कहा, फिर इरादा क्या है? तो ज़ुहैर खामोश। सौजा ने कहा, ज़ुहैर शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हें फर्जंद रसूल बुला रहा है और तुम जाने को तैयार नहीं हो? ज़ुहैर उसके बावजूद बादिले ना खास्ता अपनी जगह से खड़े हुए। यानी ऐसा नहीं है कि खुश हो गए थे या कुछ। होता है ना हमारे माशरे में भी कि इंसान कोई काम नहीं करना चाह रहा है, लेकिन बीवी ने जोर डाला, कुछ प्रेशराइज किया, चलो ठीक है, चलो ये काम कर लेते हैं, अल्लाह मालिक है, देखा जाएगा, या कोई चीज़ मंगाई। ज़ुहैर बात तारीख में लिखा है, ये अपनी तरफ से बयान नहीं कर रहा हूँ, बाकायदा आयतुल्ला शेख मोहसिन अमीन आमली की किताब जो मक्तल में है, मक्तल हुसैन, उससे वहाँ से रिवायत नकल कर रहा हूँ। एक मरतबा बादल नखास्ता ज़ुहैर अपनी जगह से खड़े हुए और बस ऐसे बस मरे कदम के साथ इमाम हुसैन की तरफ चले। और जब इमाम हुसैन की खिदमत में पहुंचे तो जैसे ज़ुहैर गए थे अब वैसे वापस नहीं आए हैं। तारीख बताती है ज़ुहैर के चेहरे का रंग सुर्ख था। ज़ुहैर इतने खुश थे कि उनकी जौजा कहती है कि मैंने इससे ज़्यादा ज़ुहैर को पूरी ज़िंदगी में इतना खुश नहीं देखा। का क्या है? का जा, मैंने तुझे राह खुदा में आज़ाद किया, तलाक दे, जाओ अपने घर चली जाओ। खादिमों से कहा, तुम्हारी मर्जी है, जिसको आना है आ जाओ, जिसको जाना है चले जाओ। और क्या, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की
मारिफत ज़ुहैर इब्ने कैन के कलेजे में जब इमाम ने से मुलाकात हुई है और इमाम ने उनसे बात की है, वो क्या बात की है ज़ाहिर उसका मौका नहीं है, फिर इंशाल्लाह आपकी खिदमत में एक तफसीली तज़किरा करूँगा। इमाम ने बताया है, इमाम ने समझाया है, दीन के हवाले दिए हैं, रिश्तों के हवाले दिए हैं, मैं कौन हूँ, मुझे पहचानते हो, जो सूरत हाल तुम्हारे सामने है, ये वक्ती दुनिया है, फना होने वाली दुनिया है, आओ हमारे साथ। ज़ुहैर इब्न कैन ने अपनी ज़ौजा को आज़ाद किया और उसके बाद तारीख बताती है कि ज़ुहैर इमाम हुसैन के साथ शामिल हो गए, इमाम के साथ यहाँ तलक के वारिद करबला हुए हैं। ज़ुहैर को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कितना बड़ा मरतबा अता किया दुनियावी एतबार से, जो लश्कर था इमाम का उसका, जो दो हिस्सों में लश्कर को तकसीम किया, उसका जो मेमना था वो इमाम ने ज़ुहैर इब्ने कैन को, मैसरा हबीब इब्ने मज़ाहिर को, और क़ल्ब लश्कर में अबुल फजल अब्बास और अमदार लश्कर बनाया। इतनी बड़ी मंजिलत, ज़ुहैर मैदान करबला में गए, ज़ुहैर एक मरतबा जिहाद किया है, मगर ज़ुहैर से ज़ुहैर की ज़ौजा ने यह कहा था, ज़ुहैर जब बारगाह रिसालत में पहुँचो तो अली व फातिमा को भी मेरा सलाम कहना, और ज़ुहैर रोज़े महशर मुझे भूल मत जाना, तन्हा जन्नत में ना जाना। और उसके बाद ज़ुहैर जब मैदान करबला में शहीद हो गए, ज़ुहैर की ज़ौजा तक खबर पहुंची कि ज़ुहैर करबला में शहीद हो गए, इमाम हुसैन शहीद हो गए, तो ज़ौजाए हुर ने एक कफन ग़ुलाम को दिया ये कह के कि जाओ मेरे शौहर का कोई कफन देने वाला नहीं है। अरे वो तो ख़ानदान बनी हाशिम के अफराद थे, वो तो शहजादे थे, वो तो ज़मीन और आसमान के मालिक हैं, उनको तो कफन मिल गया होगा, उनको तो कफन दे दिया गया होगा, उनका तो गुस्ल हो गया होगा। मगर जब ज़ुहैर का ग़ुलाम, ज़ुहैर की ज़ौजा का ग़ुलाम जब एक मरतबा करबला आया है और करबला से वापस गया है, एक कफन लेकर आया था, जब कफन वापस लेकर गया है तो तारीख बताती है कि ज़ुहैर की ज़ौजा ने अपने घर के दरवाजे पर देख कर कहा, अच्छा मेरे शौहर को भी कफन दे दिया गया, मैं ना कहती थी कि सबको कफन मिला होगा। ज़ुहैर की ज़ौजा का ग़ुलाम ज़मीन में बैठ गया, सर को पीटने लगा, अरे ये आपने क्या कह दिया, वहाँ तो सारे लाशे बेगोरों कफन पड़े हुए हैं, मैं किस किस को कफन देता। बस अजीदो ये एक वाकया, ये जनाबे हजरत हुर अलैहिस्सलाम के सिलसिले में है। बस आखिरी बात, और उसके बाद तारीख बताती है, ये तो तस्करा इसलिए आया कि इमाम लोगों को अपने आप से हटा रहे हैं, लेकिन जो महजर शहादत में हैं उनको पुकार रहे हैं। एक मरतबा मेरे मौला ने करबला में पहुंचने के बाद जब जनाबे ज़ैनब ने लश्कर यजीद की आमद को बार बार सुना है, घोड़ों की टापों टापे हैं और आवाज़ें बुलंद हो रही है, बच्चे सहम जाते हैं, बच्चे माँ की गोद में छुप जाते हैं, कभी 4,000 का लश्कर आ रहा है, कभी 6,000 का लश्कर आ रहा है। एक मरतबा जनाबे ज़ैनब ने मेरे मौला से कहा, भैया सब तुम्हारे खून के प्यासे आ रहे हैं, क्या कोई ऐसा नहीं जो तुम्हारा मददगार आए? और जनाबे ज़ैनब ने इमाम हुसैन से कहा, भैया यहाँ से कूफा करीब है, आपके बचपन का दोस्त हबीब क्या हुआ? कौन है हबीब? हबीब फकत नाम के हबीब नहीं थे, हकीकत में हुसैन के ऐसे दोस्त कि जब इनके वालिद मुजाहिर ने दावत की थी और इमाम हुसैन गए थे अपने नाना रसूलुल्लाह के साथ, तो तारीख बताती है जब दस्तरखान पे बैठे, मुजाहिर ने कहा बिस्मिल्लाह खाना नोश फरमाइए, इमाम हुसैन ने फरमाया मैं अपने दोस्त के बग़ैर भला कैसे खाना खाऊं। मुजाहिर छुपा रहे थे कि हबीब को क्या हुआ है, कहा मेरा दोस्त कहाँ है? कहा तुम्हारे आमद की खुशी में बार बार बाला खाने पे जाता था, हबीब ज़मीन पे गिर के दुनिया से जा चुका है। कहा मुझे लेकर चलो, हबीब का लाशा कहाँ रखा हुआ है? हुजरे में गए, हबीब के ऊपर चादर पड़ी हुई थी। एक मरतबा हुसैन जैसे हुजरे में दाखिल हुए, हबीब हबीब तुम्हें हुसैन पुकार रहे हैं। एक मरतबा तारीख बताती है कि हबीब उठ बैठे, मुझे बताइए वो हबीब जिसको हुसैन मरने के बाद पुकारे और जिंदा होके बैठ जाए, वो हबीब अगर हुसैन कूफे से बुलाए तो कैसे ना आएंगे? एक मरतबा खत लिखा है, इमाम का खादिम पहुंचा है और हबीब एक मरतबा चले हैं, ज़ौजा ने कहा है, ज़ौजा ने कहा है मदद करने जाओ,
गुलाम को सवारी दी। गुलाम सवारी लेके छुपते छुपाते, जो लोग कहते हैं ना कि कूफे वालों ने इमाम हुसैन का साथ नहीं दिया, या कैद में थे या कत्ल कर दिए गए। तिरिम्मा इब्ने अदी, मैं कहाँ तक तस्करे करूँ, बाद करबला जिंदा रहे। तिरिम्मा इब्ने अदी जो इमाम के बेहतरीन कासिद और गुलामों में से थे और इमाम के चाहने वाले थे, उनके साथ भी यही हुआ है। बहरहाल हबीब का गुलाम सवारी लेके पहुंचा, कहा फला जगह ठहरो, मैं किसी तरीके से तुम तक पहुंचूंगा। कुछ देर हुई हबीब को आने में, तो गुलाम हबीब की सवारी में सवार के गले में बाहें डालकर रो रहा था और कह रहा था कि अगर मेरा आका ना आया तो मैं तुझ पे सवार होके हुसैन की मदद करने जाऊंगा। हबीब ने सर को पीट लिया, हबीब ने सर को पीटा ये कह के, मौला ये गुलाम आपकी जान मुसीबत और मुश्किल में है, ये कुर्बान करने को तैयार, तो भला ये आज़ाद अपनी जानों को क्यों ना कुर्बान करे। चले गुलाम को छोड़ा, कहा आका जब तक अपनी गुलामी में रखा तो रखा, और अब हुसैन की गुलामी का शरफ मिलने वाला है, गुलाम को साथ लेकर चले। हुसैन अब खेमे के बाहर सहने खेमा में बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कोई आने वाला आएगा, कोई आएगा जो मेरी नुसरत के लिए आएगा। और एक मर्तबा इमाम ने कूफे की तरफ निगाह उठाई, गर्द बुलंद हुई, जब गर्द का दामन चाक हुआ तो एक मर्तबा क्या देखा, बचपन का दोस्त हबीब आ गया है, हबीब आया है। एक मर्तबा हुसैन के लश्कर में खुशी की लहर दौड़ गई, नारे तकबीर बुलंद हुआ, जनाबे ज़ैनब ने जनाबे फिज़ा को भेजा, देखो कौन आया है। फिज़ा दरे खेमा पर आई, ए शहजादी मुबारक हो, आपके भैया के बचपन का दोस्त हबीब आया है। कहा फिज़ा हबीब को जाके मेरा सलाम कह दे और कह दे कि तूने बड़ा एहसान किया है, ऐसे मौके पर हमारा साथ दिया है। एक मर्तबा फिज़ा दरे खेमा पर आई, हबीब को कहा ए हबीब तुम्हें मुबारक हो, ज़ैनब तुम्हें सलाम कहला रही है। एक मर्तबा हबीब ने अपने अमामे को जमीन पर फेंका, सर जमीन करबला पे बैठे, वाह मोहम्मदा वाह गुरबता, गुलामों को सलाम भेजा जा रहा है। 12 मुहर्रम आई, कटे हुए सर नेजों पर बुलंद है। एक मर्तबा जब कूफे में ये काफला, एक मर्तबा कूफे में जब ये काफला दाखिल हुआ है, एक मर्तबा एक शख्स आया, एक जवान आया, चंद खानदान बनी असद के साथ आया तलवारें लेकर, और आके कहने लगा छोड़ दो ये किसका सर है। कहा ये मेरे बाबा का सर है, मैं अपने बाबा के सर को नौके नेजा पर नहीं देख सकता हूँ, मैं अपने बाबा के सर को हासिल करके रहूँगा। एक मर्तबा लश्कर यजीद पे हमला किया, बाप के सर को बाप का बेटा ले गया, सैयद सज्जाद से बर्दाश्त ना हुआ। एक मर्तबा मदीने का रुख किया, ए नाना रसूलुल्लाह हबीब के मददगार आ गए, सर को नौके नेजा, मगर मेरे बाबा का सर नौके नेजा। खुदावंदा इस इबादत को कबूल फरमा, गुनाहों को माफ़ फरमा, आंसुओं को रुमाल ज़हरा में जगह इनायत फरमा, ज़ालिमों को नाबूद फरमा, इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, इमाम के असहाब अंसार में शामिल।